आप कहीं पर भी हो, जो भी काम करते हो, कहीं ना कहीं पर एक चीज़ आप हर रोज़ फील करते होंगे कि साला बहुत हो गई है आम आदमी वाली ज़िंदगी। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अब अपने पास भी ऐसे नेम फेम एंड पैसा होना चाहिए, एंड उसके लिए जितने भी चाहिए मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि साला वो स्पार्क, वो लाइफ चेंजिंग आइडिया कभी दिमाग में आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से दर्शन भैया ऐसे मिशन स्मार्ट वर्ल्ड जैसे आइडियाज़ ले आते हैं। सी 15 से 25 साल की एज में हर एक बच्चा रोज अपने आप से एक जंग लड़ता है। एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड दूसरी तरफ कुछ ना कर पाने का गिल्ट एंड अफसोस। एंड ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि भैया ये दर्शन भैया भी आपके जैसे ही थे। इवन आपसे भी खराब हालत थी मेरी, ना कोई जानता था ना कोई भाव देता था। मैं जब गांव की लैंग्वेज में बात करता था तब लोग लिटरली हंसते थे मेरे ऊपर, एंड मुझे भी ऐसा गिल्ट हर रोज़ फील होता था। बट MBBS के थर्ड ईयर में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसने मेरी लाइफ में एक स्पार्क दिया। अब वो दोस्त कौन था एंड वो स्पार्क क्या था, वो बहुत लंबी स्टोरी है, किसी एक दिन और वीडियो में बताऊंगा। बट अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंडेड रखना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में, एंड इसीलिए ही वो स्पार्क आपकी लाइफ में पैदा करने के लिए आपका भाई फ्रेंड या मेंटर बन के आज मैं आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए आया हुआ। मैं जब 11th में था तब हमारे स्कूल की कैंटीन में 15 रुपये का एक मसाला पफ मिलता था। वैसे बहुत कुछ मिलता था कैंटीन में, बट वो पफ की खुशबू बाहर के वॉकवे तक आती थी, एंड वो खुशबू इतनी ज़्यादा प्लेजरेबल थी भैया कि हर रोज़ वहाँ से ग्राउंड में आते जाते मेरे से रहा नहीं जाता था। क्योंकि गाँव से पहली बार मैं शहर में आया था एंड मैंने वो चीज़ कभी भी खाई नहीं थी। मुझे लगता था कि साला खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट तो क्या होगा। एंड मेरे फ्रेंड्स हर रोज़ वो मसाला पफ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेक टाइम में खाते रहते थे, बट मेरा वो पब खाने का सपना ही बन गया था। एंड मैं कभी भी उनके पास जाता नहीं था क्योंकि यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि दूसरों के पैसे से क्यों खाए भैया, अपने पास पैसे नहीं है तो नहीं है, ऐसी लाइफ लिखी है भगवान ने। मुझे खुद भी एम्बरेसमेंट होता था एंड उनको भी होता होगा ऐसा सोच के मैं उनके पास कभी भी खड़ा नहीं रहता था। जस्ट कैंटीन से आते जाते वो खुशबू लेता, बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती थी खाने की, सिर्फ एक बार टेस्ट हो जाए तो भी लाइफ धन्य हो जाए। ज़्यादा महंगा भी नहीं था, सिर्फ 15 रुपये का ही था, बट 5 रुपये का वेफर का पैकेट खरीदने में भी मैं 1000 बार सोचता था वहाँ पे। ये तो मेरे लिए एक डायमंड जैसा टारगेट होके रखा था। एंड आप मानोगे नहीं, एक के बाद एक दिन ऐसे करते करते पूरे 2 साल बीत गए रोज़ उस कैंटीन के आगे से स्मेल लेते हुए। लेकिन वो 15 रुपये का, सिर्फ 15 रुपये का मसाला पफ आपका भाई कभी भी खा नहीं पाया। कभी कभार थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो भी जाते थे, बट 1-1 रुपये की वैल्यू क्या होती है वो बहुत ही जल्दी लाइफ ने मुझे सिखा दिया था। सो उन पैसों से वो मसाला पफ खाने के लिए मेरा दिमाग कभी भी रेडी नहीं हुआ। एंड उसी टाइम से, तभी से मैंने ठान लिया था कि भैया ये लाइफ अब लंबा नहीं चलाऊंगा मैं। 25 साल तक पढ़ाई की उम्र होती है, जी जान लगा के पढ़ लूंगा, चाहे खाने पीने सोने कुछ भी ना मिले चलेगा, बट 25 साल के बाद इस लाइफ पर संपूर्ण पूर्ण विराम हो जाएगा। एंड आज ऐसे करोड़पति तो नहीं बन गया हूँ, बट इतना लेवल तो बना लिया है कि सिटी के किसी भी होटल में जाके डिनर कर सकता हूँ एंड मेनू में बिल की प्राइस देखे बिना ऑर्डर कर सकता हूँ। एंड करनी है यार ये सारी स्ट्रगल्स, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीनी है, किसी के सामने आंख नीची करके जीना ना पड़े ऐसी लाइफ बनाते हैं ना यार। 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, इवन MBBS के 5.5 साल भी बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी सारा सुधार हो गया है। आज से 10 साल पहले जिस लाइफ की कामना की थी वो आज जाके साकार हो रही है। 5 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाने का एक सपना देखा था जो आज इतना बड़ा हो गया है। एंड ये मिशन स्मार्ट वर्ल्ड आप सबको सच में स्मार्ट बना रहा है, अभी इस चैनल को इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिला है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ मिलके बहुत ही आगे जाना है अभी तो। उसी तरह आज से 5 साल पहले PG के एग्जाम में All India Rank 1 का सपना देखा था जो आज से 2 साल पहले साकार हुआ। एंड आज से अगले 10 साल में क्या करना है उसके भी बहुत सारे सपने सोच के रखे हैं जिसके लिए आज मेहनत कर रहा हूँ मैं। बट ऐसा तो नहीं है कि चलो अब लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी मेहनत कर ली, अब मजे मारते हैं, घूमने निकल जाते हैं, पार्टीज करते हैं, गेम्स खेलते हैं। नहीं, वो सब ऑकेशनली करना चाहिए एंड करो, बट लिमिट में भैया। जब तक आपके माइंड पे अपना कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब तक वो स्पार्क आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने अपने फियांसे की बर्थडे गिफ्ट आपके साथ शेयर की थी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। 11th 12th की उम्र जब हॉर्मोन्स बहुत ही पीक पर होते हैं तब ये सारी चीज़ें देख के ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है हमको, एंड हम भी अपने एक अलग ही सपनों की दुनिया में खो जाते हैं कि काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती, ऐसा इतना सारा प्यार करने वाला गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता, जीवन मरण के वादे करके शादी होती एंड। रुको जरा, सबर करो। बट ये हॉर्मोन्स को फ्रीडम देते टाइम एक चीज आप लोग नोटिस नहीं करते हो, वो ये है कि भैया मेरी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी MBBS के 2nd ईयर में, कॉलेज लाइफ में। 11th 12th में हम दोनों ने बहुत ही जम के पढ़ाई कर ली, जम के मतलब दम लगा के टॉप रैंक ला के स्टेट की बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर हमने अपने हॉर्मोन्स को थोड़ी बहुत छूटछाट दी। हमारे हॉर्मोन्स भी 11th 12th में बहुत ही ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती थी कि साला छोड़ो ये सब, क्या इतनी मेहनत करना, बाकी सारे लोग मज़े मार रहे हैं हम भी मज़े मारते हैं।
क्यों हम इतनी बोरिंग जिंदगी जिए। लेकिन नहीं, उन सारे डिजायर्स को हमने सप्रेस किया, पे कंट्रोल किया। जिंदगी में ये 2 साल ही है जिसमें सब कुछ छोड़ के जी जान लगा के मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत तो पूरी लाइफ करनी है, बट यस, अपने मजे मार के, खुशियों को साइड में रख के, सब कुछ छोड़ के अगर मेहनत करनी पड़े तो ऐसे ही है, सिर्फ 2 साल ही है। बाकी MBBS में कितनी भी डिफिकल्ट लाइफ हो, कॉलेज लाइफ इज अ कॉलेज लाइफ। किसी के मैरिज हो या घर का हवन, सारे रिश्तेदार आपको डॉक्टर डॉक्टर कहते बुलाते फिरेंगे। एप्रोन एंड स्टेथोस्कोप पहन के कॉलेज में यूफोरिक फीलिंग के साथ एंटर होने से लेके कॉलेज फेस्टिवल्स एंड पार्टीज में मजे करने तक, आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स जो आपने अभी तक देखे हुए हैं, वो सारे सपने साकार होंगे यहाँ पर भैया। लेकिन शर्त ये है कि नीट को फोड़ना पड़ेगा भैया। हमें भी आपके जैसा बनना है, आपके जैसी लाइफ जीनी है, आप हमारा इंस्पिरेशन हो। ऐसे ऐसे कमेंट लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है भैया। हाँ, समझ सकता हूँ थोड़ी बहुत बोरिंगनेस आएगी, बट यू कैन टेक ब्रेक्स, यू कैन एन्जॉय ऑन वीकेंड्स। सैटरडे संडे को एक आध मूवी देख लो टीवी पे, या फिर फ्रेंड के साथ बाहर खा के आ जाओ, कोई बुराई नहीं है। बट पहले पढ़ाई तो कर लो भैया। आप क्या करते हो कि पढ़ाई के बाद बोरिंगनेस आएगी, ऐसा सोच के पहले से बुक साथ में नहीं पकड़ते हो भैया। आपका अगर अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है तो दुनिया पे कंट्रोल करने की बातें करना बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है। विराट कोहली को यह करना चाहिए था या फिर नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सारी बातें तब करो जब पहले आप खुद क्या कर रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओ। पूरा दिन गेम्स खेलने में या दोस्तों के साथ टाइम पास करने में निकाल देते हो, एंड फिर रात को अफसोस करते करते सो जाते हो, जबकि आपको पता है कि भैया मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, सब कुछ आपको पता होता है, फिर भी बस मजे आ रहे हैं इसलिए करते जाते हो। अभी थोड़े टाइम में पढ़ाई स्टार्ट करते हो, अभी थोड़ा टाइम बस थोड़ा खेल लेता हो, ऐसे करते करते पूरा दिन निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है भैया। 2 साल पहले जब आप 11th में आए थे तब आपने क्या सोचा था? अभी तो 2 साल पढ़े बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लूंगा, 10वीं तक जो किया वो किया, अब 2 साल में तो इतनी ज्यादा मेहनत कर दूंगा कि लाइफ चेंज कर दूंगा। तब से लेके आज तक हर रोज, अभी तो 1.5 साल बाकी है ना, पढ़ लेंगे, अभी तो 1 साल बाकी है ना, अरे बहुत टाइम पढ़ लेंगे, अभी तो 6 महीने बाकी है ना, बहुत टाइम है, ऐसा करते करते एग्जाम सर पे आके खड़ी हो जाती है। भैया हमारा लेवल होता है बिल्कुल 0, जो कि 2 साल पहले भी था, जबकि ये चीज आपको 2 साल पहले से पता थी, आपके पास टाइम था, फिर भी आपने धीरे 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 करके वो टाइम को बिल्कुल व्यर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि अगेन आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। MBBS लेके बड़े से बड़े सर्जन बनके भी क्या करोगे जब पेशेंट मर रहा होगा। बट नहीं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, मैं अभी गेम खेल के आता हूँ, मैं अभी 1-2 दिन पार्टी करके आता हूँ ऑपरेशन करने के लिए। भैया मरता हुआ पेशेंट आपके 1-1 सेकंड की डिमांड करता है, एंड वो डिसिप्लिन आपके अंदर अभी से ही होनी पड़ेगी, आज से ही वो डिसिप्लिन आपके खून में बहनी चाहिए। सिर्फ MBBS नहीं, लाइफ के किसी भी फील्ड में आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बच्चे पाल के बड़े करने की नहीं लेनी है भैया। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थोप दी जाएंगी आप पे, जस्ट दिन के रोज के 4-6 घंटे पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको, ऑब्वियसली स्कूल टाइम के बाद। यस, सिर्फ दिन के 4-6 घंटे कंसिस्टेंटली अगर आप रोज देते हो तो देट इज मोर देन इनफ। 1-2 घंटे चाहे आप थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लो, कोई गेम खेल लो, टीवी देख लो, मम्मी पापा से बातें कर लो, कोई ना नहीं है, उतना टाइम आप अपने आप को दे सकते हो, बट वो टाइम फिक्स होना चाहिए, 1 घंटा मतलब 1 घंटा। ऐसा नहीं कि फिर बस अभी थोड़ा टाइम और करते करते पूरा दिन टाइम पास में निकाल देते हो, एंड फिर रात को अफसोस होता है कि साला आज भी कुछ पढ़ाई नहीं हुआ मेरे से। हाँ, टाइम लगेगा, 2 साल 5 साल इवन 10 साल भी लग सकते हैं आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, बट यू मस्ट हैव टू एंडर। अपने दिमाग की हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान तो दो। कैसे आइडियाज़ नहीं आते, मैं भी देखता हूँ। अच्छी बुक्स एंड नॉवेल्स पढ़ो, अच्छे वीडियोज़ देख के उनको अप्लाई करना स्टार्ट करो, डेली इंप्रूवमेंट करो अपने अगले दिन की कंपेयर में। जब तक आप एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे, अपॉर्चुनिटीज भी आपको एक्सक्यूज में बोल के दूसरों के पास जाती रहेगी। जस्ट एक बार एक सपने को अपने साथ में तो लो यार। पहले दिन हो सकता है मजा ना आए, समझ में ना आए, बोरिंग भी लगे, बट हो सकता है कि 8, 10, 12 महीने के बाद उसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए एंड आपको उसमें पैशन डेवलप हो जाए। जो स्पार्क आप ढूंढ रहे थे वो शायद इसी सपने में मिल जाए आपको। मैं भी 11th में था आज से 10 साल पहले। उस टाइम पर सोचा था कि ऐसे डॉक्टर बनेंगे, ऐसी मस्त लाइफ होंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मम्मी पापा की आंखों में प्राउड होगा, एंड 10 साल बाद आज ये सारी चीज़ें हकीकत में साकार भी हो गई है, जो आप देख सकते हो। मुझे अपने आप पे ऐसे कोई घमंड या ईगो नहीं है कि बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, बट आपको जस्ट एक रियल लाइफ मोटिवेशन दे रहा हो कि भैया चीज़ें हकीकत में सच होती है, कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास में हजारों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ऐसे। एंड आपकी लाइफ भी 10 साल बाद ऐसी बन सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेसफुल होने का। एंड बिलीव मी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्पार्क नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पर लेक कर रहे हो। एंड आप खुद अपने आप से पूछना कि क्या आप अपने आपका बेस्ट दे रहे हो अभी तक? आज तक आपने एक भी दिन अपना बेस्ट दिया है क्या? इंडियन ब्रेन्स के पोटेंशियल एंड टैलेंट के बारे में भैया क्या बताऊँ आपको, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड भैया। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बन गए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोब, हर एक बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज पे इंडियन ब्रेन्स बैठे हुए हैं भैया। जो 11th 12th में आपकी तरह ही इंडिया के किसी एक छोटी सी गांव या शहर के स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने भी स्ट्रगल्स की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स की है।
बट एक दिन आता है भैया जब आपकी स्ट्रगल्स को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, हो सकता है उसके लिए 5, 10 या 25 साल भी लग जाए। एंड जब तक नहीं आता है आपको डटे रहना है भैया, छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। भले ही वो लोग इंडिया छोड़ के चले गए, एंड ये एक अलग ही डिबेट का टॉपिक है कि टॉप ब्रेन्स क्यों इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जिसका रीजन हम सबको कहीं ना कहीं पता भी है। बट चाहे आप इंडिया में रहो या ना रहो, आप इस दुनिया में तो रहोगे ही, एंड वो पोटेंशियल, वो टैलेंट जो आपके अंदर पड़ा है, उसको आपको वर्ल्ड को दिखाना है भैया। अपने आप के लिए, खुद की लाइफ को एक सेटिस्फाइड तरीके से जीने के लिए मेहनत करनी है। चाहे इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर, लाइफ जिएंगे तो साला जी के जानेंगे। मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें मैंने MBBS लाइफ की कुछ डिफिकल्टीज एंड रियलिटी शेयर की थी, इससे आप सब लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हो उनको पता चले कि आगे आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, एंड आप कैसे एक न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे अच्छे एंड पॉजिटिव कमेंट्स आए उस वीडियो पर, बट 20-30% स्टूडेंट्स नाराज भी हुए कि सर आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। बट या तो भैया उन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, या फिर वो स्ट्रगल्स को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर वो रेगुलरली मुझे फॉलो नहीं करते, वरना उनको पता होता कि ये चैनल आपको सिर्फ स्मार्ट एंड स्मार्ट बनाने के लिए ही है, एंड यहाँ पर ओनली प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ही शेयर किए जाते हैं जो और कहीं पे नहीं मिलते, जिससे आपको तगड़े से तगड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऑनेस्टली मुझे 11th 12th में इतना भी पता नहीं था कि MBBS के टोटल कितनी ड्यूरेशन होती है, इसके बाद क्या करना होता है, इंटर्नशिप कैसे होती है, MD MS MCH कैसे करना होता है, कुछ भी पता नहीं था। बट वो सारी चीज़ें पता होना जरूरी है, एंड वो पता चले इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था आपके लिए। बाकी डीमोटिवेट होने के लिए तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है भैया, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड आसपास के लोग हर रोज़ आपको डीमोटिवेट करने के लिए या फिर गोल से डाइवर्ट करने का एक एक मौका ढूंढते रहते हैं। बाकी मेरी रियल लाइफ कैसी है, एंड मैं अभी भी दिन की एक एक सेकंड कोई भी एक्सक्यूज़ किए बिना कैसे यूज़ करता हूँ, वो अगर रियल लाइफ व्लॉग देखना है तो ये वीडियो देख लेना, वरना ये वीडियो देखना जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।